अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? दिस इज मोहम्मद बराब सैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? राज के खा रहे हो, पार्टी शार्टी कर रहे हो, जिंदगी एंजॉय कर रहे हो? दोस्तों मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दूं, ताकि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं तो आपको इससे पहले ही पता हो, ताकि आपको पता हो हम अबरार भाई की वीडियोज देखते हैं, हम सब कुछ बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानते हैं कि क्या ऑपरेशन में होता है, क्या सेल्स में होते हैं। आपको बताते हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो होता है उसमें दो किस्म के बैंक होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक, एक होता है माइक्रो फाइनेंस बैंक। माइक्रो फाइनेंस बैंक आपने पाकिस्तान में सुने होंगे, जैसे जैस का मोबाइल बैंक है, यू फोन का जनाब यू बैंक है, इस तरह टेलनार बैंक है, इस तरह ये जो सिमो के बैंक होते हैं ना, ये होते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक। एक पाकिस्तान में खुशहाली बैंक भी है, माइक्रो फाइनेंस बैंक। इस तरह ये माइक्रो फाइनेंस जो बैंक होते हैं ना, इनका मतलब था ये छोटे अदारे होते हैं, फाइनेंशियल अदारे होते हैं। बैंक पे एक फाइनेंशियल अदारा है जो मनी को सारा दिन डील करता है, कैश को डील करता है। ये छोटे फाइनेंशियल अदारे होते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक। उसके बाद आपको कमर्शियल बैंक बताऊं, कमर्शियल बैंक जो बड़े अदारे होते हैं, जैसे मीज़ान बैंक हो गया, एचबीएल बैंक हो गया, अलफला बैंक हो गया, फैसल बैंक हो गया, लाइट बैंक हो गया, यूबीएल बैंक हो गया, इस तरह ये जो बड़े बैंक है ये जनाब कमर्शियल बैंक है। अच्छा, इनकी भी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक जो कन्वेंशन बैंक होते हैं, एक इस्लामिक बैंक होता है। आपको पता है इस्लामिक बैंक जो इस्लामी सुलंग के मुताबिक काम करता है, और जो कन्वेंशन बैंक है वो जनाब इंटरेस्ट के बेस पे काम करते हैं, जो इस्लाम में जायज नहीं है, जो सूद जिसे बोलते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं पाकिस्तान का पहला सबसे बड़ा और बेहतरीन इस्लामिक बैंक है जो आपको प्रोवाइड करता है सूद से पाक दीद बैंकारी की तमाम सहूलियत, वो है मीज़ान बैंक, द बेस्ट पाकिस्तान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक मीज़ान बैंक, ठीक है। अब आपको बताता हूँ मीज़ान बैंक में जो ज्यादा जो वर्क कल्चर है, वर्क लोड है, वर्क प्रेशर है, इसके बारे में आपको बताता रहता हूँ। और जो ब्रांच का एक माहौल होता है, ब्रांच का एनवायरमेंट होता है, इसमें सारा दिन बीएम होता है, ओएम होता है, बीएम बोलते हैं ब्रांच मैनेजर को, ओएम बोलते हैं ऑपरेशन मैनेजर को। जो ब्रांच मैनेजर होता है ना, वो सेल डिपार्टमेंट का एक हिस्सा होता है, उसके नीचे दो तीन वीडियोज होते हैं, जो पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं, बीडीज होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, जो बाहर से जनाब डिपोजिट लेके आते हैं और फिर उनके बाइक अजारा करते हैं, कार अजारा करते हैं, होम फाइनेंसिंग करते हैं, ये होते हैं बीडीओज। इनका काम सेल का होता है, ये बाहर में सारा दिन काम करते हैं, बाहर जाते हैं, फील्ड का काम होता है, या बाहर से कस्टमर लेके आते हैं, इन्होंने कस्टमर को लेके आना होता है, कस्टमर के अकाउंट खुलवाने होते हैं बैंक में, जनाब कस्टमर का डिपॉजिट लिखवाना होता है, और बैंक के जरिए से जनाब कस्टमर को इन्होंने बाइक देनी होती है, जिसे बोलते हैं जनाब बाइक अजारा, कार अजारा, इस तरह फिर होम फाइनेंसिंग होता है, इस तरह ये सारा इन्होंने सिस्टम करना होता है, बिजनेस को डील करना होता है, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर इसे बीडीओ बोलते हैं जनाब। आप माइक्रो फाइनेंस बैंक में इसी जो काम करते हैं ना, यही जो डिपॉजिट लेके आता है या कस्टमर को न्यू करके देता है फाइनेंसिंग, कार जा रहा, बाइक जा रहा, होम फाइनेंसिंग, इस तरह जैसे आपने पासबुक पर कर्जे सुने होंगे माइक्रो फाइनेंस बैंक देते हैं, ठीक है, गोल्ड पे लोन देते हैं, ठीक है, इस तरह ये सारा सिस्टम होता है माइक्रो फाइनेंस बैंक में। तो वो वहां पे जो डील करता है वो होता है रिलेशनशिप ऑफिसर, उनका काम होता है सारा दिन जनाब सेल की डील करना, वो सेल वाला स्टाफ होते हैं, ठीक है, ब्रांच मैनेजर हो गया, बीडीओ हो गया, ये सारा सेल का स्टाफ होता है। अब आपको बताता हूँ जो ऑपरेशन का स्टाफ है जिसमें मैं काम करता हूँ, जो सबसे स्टार्टिंग पोस्ट है ना ऑपरेशन में, वो होता है कैशियर। जैसे मैं हूँ न्यू हायरली फ्रेश कैशियर हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश हूँ, मैंने सिर्फ बीएस मैथमेटिक्स किया जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, और अब मैं जनाब यहाँ पे अपनी ब्रांच में एज अ कैशियर वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, तकरीबन 6 माह हो गए मुझे काम करते हुए। ये आपको बता रहा हूँ इसमें जो ऑपरेशन में होता है ना सारा स्टाफ, उसमें सबसे जो स्टार्टिंग स्केल है वो है जनाब कैशियर, फिर उसके बाद चीफ कैशियर हो गया, फिर उसके बाद जनाब बाहर होते हैं वो कस्टमर सर्विस ऑफिसर होते हैं, उसके बाद आपके पास ओएम होता है, वो ऑपरेशन मैनेजर होता है, ठीक है, वो जनाब सारे ऑपरेशन को डील करना होता है उसने, मतलब जो जमा करवाने आया है, जो लेके गया है, सारा उसने डील करना होता है, ये सारा एनवायरमेंट होता है। और आपको बताता चलूँ, आपके टेंशन लेनी, आपको पता है बैंक्स में आजकल रश ज्यादा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में एक फाइनेंशियल एक अदारे इस टाइम जो चल रहे हैं उनमें काफी रश होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जब भी किसी बैंक में जाते होंगे देखा होगा काउंटर के सामने लाइन्स लगी होंगी, 15-20-30 कस्टमर खड़े होंगे जनाब, किसी के पास कैश होगा हाथ में, किसी के पास चेक होगा, कोई कह रहा होगा जल्दी करो, कब से खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ, लेकिन आपने भाई इजी होकर काम करना है, टेंशन लेनी, वन टाइम वन ट्रांजेक्शन करनी है, और जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सारा फोकस आपका 100% उसी पे होना चाहिए। जैसे आपसे गलती होगी तो उसके जिम्मेदार फिर आप हैं, आपसे गलती होगी ना तो फिर आपको टेंशन हो जाएगी, जब एक दफा गलती होगी उसकी जहनी टेंशन दिमाग में बैठ जाती है, फिर जब नेक्स्ट एंट्री करेंगे उस वक्त भी आपको डर रहा होगा भी मेरी पिछली एंट्री गलत होगी, या फिर वो डर से ना कॉन्फिडेंस के बगैर फिर काम नहीं होता, सारा खेल जो कॉन्फिडेंस का है ना वो कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर आपके पास जिंदगी में कॉन्फिडेंस है तो आप जिंदगी हर लम्हे कामयाब है।
अच्छा आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप काम कर रहे हैं कॉन्फिडेंस से, फुल स्पीड से काम कर रहे हैं, इजी होके काम करना है। जब तक आपको कैश की तसल्ली ना हो, जब की एंट्री आपके ओके ना हो, आपने स्लीपर देखना है, 1 लाख की डिपॉजिट स्लिप है, स्लीपर देखना है, 1 लाख अमाउंट है, अमाउंट इंडिया चेक करना है, अमाउंट वर्ड चेक करना है, ठीक है। फिर अपना कैश चेक करना है, कैश को सारा गिनना है, उसके अलग अलग नोमिक्स बना के, मतलब 5,000 वाले इतने नोट हैं, 1,000 वाले इतने नोट हैं, 500 वाले इतने नोट हैं, उसको सारा आपने एक्सेल की शीट पर कंप्यूटर में पहले लिखना है, उसको टोटल करना है भी 1 लाख रुपए बन रहा है, ठीक है, ओके है। साइड नोमिनेशन चेक कर ली, जो मैंने स्लिप पर लिखी है वो नोट्स पर भी लिखी है, नोटों को ना जो ब्रोकन कैच होता है, फॉर एग्जाम्पल 1,000 के 20 नोट थे तो उसको एक रबर बैंड लगा के ना उसके ऊपर कच्ची पेन से लिख देना 20 नोट, ठीक है। इस तरह फिर 500 वाले इतने नोट थे उसके ऊपर रबर बैंड लगा के उसके ऊपर कच्ची पेन से लिख देना 20 के 500 वाले इतने नोट हैं। फिर उसी तरह जैसे नोटों के ऊपर लिखा ना कच्ची पेंसिल से, उसी को देख कर आपने डिपोजिट स्लिप के ऊपर डिनोमिनेशन होती है वहां पे लिखना है भी ये बंदा जमा करवा रहा है 1 लाख रुपए, तो इसने 1,000 वाले कितने जमा करवाए हैं, 500 वाले इतने जमा करवाए हैं, ठीक है, वो उधर मैच करना है। और आपने फिर उसके बाद एक्सेल शीट में लिखना है, जो होता है ना हमारे पास डेस्कटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें एक एक्सेल शीट होती है आपके सामने, इसमें होता है कैश बैलेंसिंग शीट होती है जिसे एक्सेल शीट बोलते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है आपने टाइप करना है जना 5,000 वाले इतने नोट थे, 1,000 वाले इतने थे, 500 वाले इतने नोट थे, ठीक है। आपने चेक करना है टोटल, नीचे ऑटोमेटिक आ जाता है भी 1 लाख ओके है, ठीक है। अब 1 लाख ओके होगा, आपकी एक्सेल शीट पर भी ओके हो गया, आपकी डिपोजिट स्लिप पर भी ओके होगा, तो इसके बाद आपने फिर सिस्टम में T24 एक होता है सॉफ्टवेयर, जिसमें हम सारा दिन एंट्री करते हैं कैश डिपोजिट की, कैश विदड्रा की, ठीक है। उसमें जाके फिर आपने एंट्री करनी है, अगर वो उसी ब्रांच में जमा करवा रहा है तो फिर लोकल पे जाना है, अगर किसी और ब्रांच में जमा करवा रहा है तो आपने ऑनलाइन पे जाकर ओके करना है भी, ऑनलाइन कैश डिपॉजिट, लोकल कैश डिपॉजिट, ठीक है। उसमें अगर उसी ब्रांच का है फिर लोकल कैश डिपॉजिट करके आपने अकाउंट नंबर लिखना है, फिर उसका जैसे अकाउंट नंबर लिखेंगे आपके सामने उसका टाइटल शो हो जाएगा भी, इस अकाउंट नंबर जो आपने टाइप किया इसका ये टाइटल है, फिर उस टाइटल को आपने जना अपनी डिपॉजिट स्लिप के साथ मैच करना है भी, जो सिस्टम में शो हो रहा है टाइटल वो डिपॉजिट स्लिप का के साथ मैच है आया कि बंदा उसी अकाउंट में जमा करवा रहा है ना, ये ना हो उसने क्या लिखा हो एहसन अली तो आपने इशफाक अली में जमा कर दिए हो, ऐसे नहीं करना, फिर वो आपकी जिम्मेदारी। आपने जैसे ही सबसे पहले डिपॉजिट स्लिप से देख कर आपने सिस्टम में एंट्री करनी है ना उसके अकाउंट नंबर की, जैसे आप अकाउंट नंबर लिखेंगे तो उसके सामने ना फौरन टैब का बटन दबाएंगे, टैब का, तो फौरन ये जनाब आपके पास ना उस अकाउंट का टाइटल शो होगा स्क्रीन पर, आपने टाइटल मैच करना है, टाइटल मैच करने के बाद फिर आपने अमाउंट चेक करनी है डिपॉजिट स्लिप पर भी, कितनी अमाउंट है, कितनी अमाउंट जमा करवा रहे हैं, 1 लाख रुपए, फिर आपने चेक करना है ओके है 1 लाख इधर भी ओके, डिपॉजिट स्लिप पर भी और मेरी एक्सेल शीट पर भी ओके है। फिर आपने वहां पे T24 में उसके अकाउंट टाइटल के नीचे होता है अमाउंट, अमाउंट पे आप 1 लाख रुपए लिख देना है, फिर आपने टैब का डबल दबाना है, फिर आगे ऑप्शन आ जाएगा सेल्फ, उसका अपना अकाउंट है, ठीक है, ओके कर देना, ठीक है। इस तरह फिर अगर वाकई कस्टमर होगा ना, वाकई कस्टमर होता है जो चल के आया ब्रांच में पहली दफा, उसका अकाउंट नहीं है मीज़ान बैंक में, उस ब्रांच में आपका अकाउंट नहीं है, तो फिर वो वाकई कस्टमर होता है, उसकी फिर आईडी कार्ड कॉपी साथ लगती है, आजकल तो बायोमेट्रिक भी होती है उसकी, ठीक है, तो सारा उसका डाटा फिल होता है, उसका ना मोबाइल नंबर, उसकी सारा जो आईडी कार्ड पे डाटा लिखा होता है ना वो सारा फिल होता है। वो अपने डाटा लिख के फिर आपने पहले रीचेक ऑप्शन होता है स्क्रीन पर, इस जगह रीचेक ऑप्शन होता है, आपने रीचेक पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने चेक करना है भी सारा उसका टाइटल ठीक है, उसकी अमाउंट ठीक है, टाइटल और अमाउंट आपने चेक करनी है डिपॉजिट स्लिप जब भी जमा कर रहे हो, ठीक है, आप पोस्ट कर रहे हो, आपने उसका अकाउंट का टाइटल और अमाउंट चेक करनी आया कि भी डिपॉजिट स्लिप पर जो अमाउंट लिखी हुई है वो ठीक है, सेम है, और जो टाइटल लिखा हुआ है सेम है, तो फिर आपने ओके कर देना है। पहले रीचेक ऑप्शन होता है, सारा देख लिया, दोबारा रीचेक कर लिया, फिर उसके बाद आपने कमिट कर देना है, ओके कर देना है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर आप उसके बाद वो प्रिंट निकल आता है, तो उसके ऊपर अब लिखा होता है टाइम, लिखा होता है डेट, लिखी होती है और लिखा होता है कैश डिपॉजिट, और जो जब बंदा जमा कर रहे हो, मैं अबरार जमा कर रहा हूँ तो मेरा लिखा आ जाता है अबरार हुसैन, और नीचे ब्रांच लिखी आ जाती है, ये वाली ब्रांच है जनाब इसमें जमा हो रहे हैं, तो और नीचे अमाउंट लिखी आ जाती है, अकाउंट नंबर लिखा आता है, वो आपने स्लिप उसमें ओलिटी प्रिंटर होता है उसमें आपने लगानी है, तो वो फौरन ऐसे चीं 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 करके उसके ऊपर प्रिंट आ जाता है, वो नीचे कार्बन कॉपी होती है उसके भी प्रिंट आ जाता है, और ऊपर होती है ओरिजिनल कॉपी उसके ऊपर प्रिंट आ जाता है। फिर आपने ओरिजिनल कॉपी अपने पास रख लेनी है और कार्बन कॉपी कस्टमर को दे देनी है, ठीक है। अगर वो मेरी लिमिट आती है 50,000, अगर वो 50,000 से ऊपर स्लिप है, जैसे बात कर रहा हूँ 1 लाख रुपए की है, फिर आपने क्या करना है कार्बन कॉपी फौरन कस्टमर को दे देनी है, और जो ओरिजिनल कॉपी है ना जिसके ऊपर सारा उसने लिखा हुआ है पेंसिल से लिखा होता है, ओरिजिनल कॉपी होती नीचे होती है कार्बन कॉपी जिसके ऊपर उसका छापा आ जाता है, जिसकी कॉपी ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अगर 50,000 से ऊपर की है तो फिर 1 लाख रुपए की जैसे बात कर रहा हूँ, तो अपने कार्बन कॉपी कस्टमर को दे देनी है, ओरिजिनल कॉपी जो है ना ओरिजिनल, वो आपने आपने कहना है ओएम साहब को दे दो या अपने सुपरवाइजर को दे दो, भी वो सुपरवाइजर करेगा, वो भी चेक करेगा भी एंट्री गलत तो नहीं की इसने,
सारा कुछ ओके है, कहीं कटिंग तो नहीं स्लिप है। अगर कहीं कटिंग हो स्लिप है तो आपने कस्टमर के फिर साइन लेने होते हैं, उसको सीसी करके कटिंग कंफर्म करके आपने जनाब अपने भी साइन करने हो, कस्टमर की साइन लेनी, ताकि बाद में कोई इशू ना हो, कस्टमर ये ना कहे भी मैंने 3 लिखा हुआ था इसने 8 बना के ओके काट दिया। ठीक है, ऐसे नहीं हो, जरा से भी ओवर राइट हो, कटिंग हो, मिस राइट हो, तो आपने फौरन कस्टमर के साइन लेने हैं, ताकि कस्टमर को पता हो भाई मैंने ये साइन किए हुए हैं, नेक्स्ट टाइम कोई इशू ना बने। ठीक है, इस तरह आपको डिपोजिट स्लिप पेश करनी है, आपने पोस्ट करनी है, उसके ऊपर फिर आ गया कैश की जो आप पेमेंट करते हैं वो होता है चेक। चेक को आपने सबसे देखना है पहले रियल है फेक तो नहीं है, उसका सिंपल तरीका होता है सबसे पहले आपने आई वी मार्कर, इंस्टेंट वेरिफिकेशन मार्कर होती है, वो आपने फौरन लगानी है चेक पर, तो उसके ऊपर वो ना स्याही छोड़ती है, उसको अगर मार्कर आपको कहीं किसी और कागज पर लगाएंगे तो वो उसका रंग नहीं छोड़ेगी, अगर चेक पर लगाएंगे अगर वो ओरिजिनल होगा तो वो इंस्टेंट वेरिफिकेशन मार्कर उसका रंग छोड़ेगी। ठीक है, पहले आपने मार्कर लगानी है, फिर आपने डेट चेक करनी है, डेट ठीक लिखी हुई है, डेट ना फॉर एग्जाम्पल आज 20 है तो 21 तारीख अगर लिखी होगी चेक पर तो वो चेक सुबह पास होगा। ठीक है, ये अपनी बात याद रखनी है, वो पोस्ट डेटी चेक होता है, मतलब वो सुबह पास होगा, और जो ओवर डेटी चेक होता है वो होता है 6 महीने पुरानी डेट चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज लिखी हुई ना 20/6/2024 लिखा हुआ है तो वो 6 महीने बाद तक भी चल सकती है। ठीक, इस तरह आपने चेक देखना होता है, डेट चेक कर ली, फिर अमाउंट डेट चेक कर ली, ठीक लिखी हुई अमाउंट इनवर्स ठीक लिखी हुई है, ये सारा आपने चेक कर लिया, फिर उसके ऊपर नीचे साइन, जैसे आप उस स्कैनर के पास चेक करेंगे ना ऐसे वो फौरन टी करके ना उसका जनाब शो कर देगा, उसका चेक के ऊपर जो कस्टमर के साइन हुए होते हैं जो उसने सिस्टम में दिए होते हैं अकाउंट में। ठीक है, वो साइन उसके ओरिजिनल शो हो जाते हैं कि आपके सिस्टम में, वो अपने सिस्टम में देखने और अपने चेक पर देखने अभी आया कि मैच है ओके है। ठीक है, अगर मैच हो जाए तो फिर जनाब आपने फिर अमाउंट चेक करनी है, अमाउंट कितने का चेक है, ध्यान से जितने का चेक हो उतनी आपने अमाउंट करनी लिखनी है, फिर चेक ओके काट देना। ठीक है, कस्टमर के पीछे बैक साइड पर जो साइन होते हैं जो पेमेंट ले रहा हो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, फिर आपने ओके करके जनाब उसको पेमेंट दे देनी है। पेमेंट देते वक्त आपने सबसे पहले कैश अपना सामने रखना है काउंटर पर, फिर उसको आपने टोटल करके डिनोमिनेशन बना के एक्सेल की शीट पर, अगर 5 लाख का चेक है तो आपने सारे लिखना है, अभी 1000 वाले इतने पैकेट हैं, 500 वाले इतने, सारे पैकेट बना के आपने वो एक्सेल की शीट में लिखने हैं और ओके करना है, अभी 5 लाख ओके है, फिर आपने कस्टमर को देना है। ठीक है, काउंट करके काउंटिंग मशीन होती है जैसे, ऐसे पंखे लगे होते हैं ऐसे आपने पैकेट लगाना है मशीन में फू फू फू, और जनाब आपका पैकेट गिना जाएगा, आपने सामने कस्टमर को दिखाना है अभी 100 का पैकेट ओके है। ठीक है, कस्टमर के सामने आपने एक पैकेट में 100 नोट होते हैं, कस्टमर के सामने आपने उसको पूरे कराने हैं। ठीक, अगर बंडल दे रहे हैं तो फिर एक बंडल में 10 पैकेट होते हैं। ठीक है, फिर एक बंडल में जनाब आपके पास 1000 नोट होते हैं सेम डिनोमिनेशन के, आपने ये सारा जनाब कुछ हैंडल करना है और इनको एंजॉय करना है, टेंशन लेनी जनाब बैंक में रश होता है, आप रश की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आपने इजी कोई काम करना है, जितना मर्जी रश हो, जो जितना मर्जी कहा जाए जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, आपने इजी हो के अपने कैश की तसल्ली करके टोटल करके एक्सेल की शीट पे लगा के डिनोमिनेशन बना के अपने सारा रियल फेक चेक करके उसको तसल्ली करके अपनी तसल्ली करके 100% तसल्ली करके आपने कस्टमर को कैश देना है, कस्टमर कैश लेना है, इजी होके काम करना है, कोई बीएमओ ओएमओ जो जितना मर्जी कहे जल्दी करो आपने इजी होके अपने माइंड को रिलैक्स होके काम करना है। ठीक है, टेंशन लेनी, किसी की बातों में हाइपर नहीं होना, कोई कस्टमर आके अपने घर से लड़के आता है आपने हाइपर नहीं होना, वर्क लोड नहीं लेना, वर्क प्रेशर लेना, वर्क स्ट्रेस लेना, अपना खुश होकर तसल्ली से काम करना है, आप काम कर रहे हैं ना आपको उसको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, आप किसी से मुफ्त में नहीं पैसे ले रहे, किसी से मांग कर नहीं रहे ले रहे, किसी के आप मुलाजम नहीं है, आप बैंक के मुलाजम है, आपने इजी होकर काम करना है, ना आप किसी कस्टमर के मुलाजम है, ना आप किसी बैंक के स्टाफ के मुलाजम है, मेरी बात याद रखें, आप अपने बैंक के मुलाजम है, आप एक अदारे के मुलाजम है, आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी करनी। ठीक है, आपने किसी को अपने ऊपर जबरदस्ती किसी किस्म का पर्सनल अटैक नहीं करने देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कोई आप पे गलत बात करे आपने फौरन उसको बताना है भाई ये दिस इज रॉन्ग, ठीक है, सॉरी आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, बस ओके। आपने अपना काम करना है, अपने काम से काम रखना है, किसी को जितना मतलब देना है उतना ही लेना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टेंशन लेनी, अपने मतलब से काम रखे। ठीक है, अपने मतलब तक अपना मतलब रखे। ठीक है, ये दुनिया मतलब की, आप अपने मतलब तक अपना मतलब रखना है, अपने जो जितना इज्जत दे उसको इतनी इज्जत देनी है, ज्यादा फ्री नहीं होने की टेंशन लेनी। ठीक है, ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं करनी, आपने इजी होकर अपना काम करना है, तसल्ली से अपने खुदा को हाजिर नाजर जान के काम करना है, यू हैव टू आंसर हियर एंड आफ्टर, आपने यहाँ पे जवाब देना है जिंदगी में भी और अपनी नेक्स्ट जिंदगी में जवाब देना है आखिरत में भी। ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी से काम करें, हलाल कमाएं, अपने घर वालों को हलाल खिलाएं, टेंशन लेनी, इस्लामी बैंक है
तो अल्लाह ताला आपको उसको अजर भी देगा। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज को फर्ज समझते काम करें और टेंशन लेनी। बैंक का कल्चर आपकी जिन पा रहा है, अगर आपका घर से आप पुरसकून है, आपको जहनी टेंशन नहीं है, आपको फैमिली इशू नहीं है, तो आप जॉब को इंजॉय करेंगे। आपको पूरी फैमिली इशू है, आपको पर्सनल इशू है, आपको पर्सनल अटैक है आप पर, तो आप अपने काम को कैसे कर सकते हैं? आपको जहनी टेंशन है तो आप अपने कस्टमर को कैसे खुशी से ग्रीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, आपने खुद खुश रहना है, खुद इजी होना है, खुद सुकून में रहना है, और तभी आप दूसरों को सुकून करेंगे। ठीक है, इजी होके बैंकिंग एक टफ जॉब है, एक रिस्की जॉब है। कभी भी किसी भी वक्त आपका कैश किसी कस्टमर के पास ज्यादा जा सकता है, किसी कोई आपको काम दे सकता है, आपको पता नहीं चल सकता। जाहिर है इंसान है, गलती हो जाती है, मशीनों से भी गलती हो जाती है, इंसान से भी गलती हो जाती है, एटीएम से भी गलती हो जाती है, एटीएम भी ओवरएज हो जाती है। कभी एटीएम में कम कैश निकल आता है जब बैलेंस करते हैं हम, या कस्टम कैश डालते हैं तो कभी ज्यादा भी डाल जाता है, कोई गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। आपने ध्यान से काम करना है, इजी काम करना है, ठीक, टेंशन लेनी। और थैंक यू सो मच इतना प्यारा वक्त देने के लिए, आपसे बातें करता हूँ, दिल की बातें शेयर करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मजीद ऐसी वीडियो बताता रहूंगा। आप मुझे बता सकते हैं भी कैसे वीडियोज बनाए, मैं आपको वैसी वीडियोज बना के अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जितना मुझे पता है अपना नॉलेज आपको बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, बास रहें, अपनी जिंदगी को इंजॉय करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।